दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ शॉपसी एप्लीकेशन के अंदर हम ऑर्डर कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। पहले आपको पता होगा कि शॉपसी एप्लीकेशन एक अर्निंग एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि ऑर्डर कैसे करते हैं और ऑर्डर में हमें कमीशन कैसे मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे पूरा अर्निंग प्रोग्राम पता लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि शॉपसी एप्लीकेशन से घर बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे आप कमा सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डर कैसे करेंगे और हमें कमीशन चार्ज हमें कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना शॉपसी एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको पता होगा कि ये एक फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ही है, यानी कि फ्लिपकार्ट का ही एप्लीकेशन है और फ्लिपकार्ट के ही सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अब आप यहाँ पे जिन भी प्रोडक्ट को आप बुक करते हैं तो उसमें आपको 10%, 20%, 5%, 10%, 15% आपको कमीशन चार्ज दिया जाता है। यानी कि किसी भी ऑर्डर को आप बुक करेंगे यहां से तो आपको यहां पे उसका कमीशन चार्ज मिलेगा। अगर आप वही ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे बुक करेंगे तो वहां पे आपको कोई भी चार्ज कमीशन नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे इसमें ऑर्डर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना वो प्रोडक्ट का आपको सर्च करना है जिसे आप यहाँ पे बुक करना चाहते हैं, जिसे आप ऑर्डर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ टी शर्ट, मैंने यहाँ पे टी शर्ट सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपके सामने आपका टी शर्ट आ जाएगा, देख सकते हैं हमारे सामने टी शर्ट आ चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी टी शर्ट आप बुक करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बुक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये टी शर्ट है और हम इस टी शर्ट को बुक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एड टू कार्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट आपके ऐड टू कार्ड में सेट हो चुका है। अब बात करेंगे इसमें आपको अर्निंग कितना मिलेगा। तो आप इस प्रोडक्ट को अगर आप बुक करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा अर्न आपका 33 रुपए। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को आप बुक करेंगे तो उसमें आपको अर्न यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट से आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम बुक करेंगे 299 रुपए का है और इसमें हमें 33 रुपए का कमीशन चार्ज मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट आप अपने को बुक करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड को या कोई किसी और को बुक करना चाहते हैं तो आसानी से बुक कर सकते हैं और इसका कमीशन चार्ज होगा वो आपको ही मिलेगा। तो आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां से आपको इसे ऐड टू कार्ड कर देना है, उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से बैक आना है और यहां पे फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पे मिलेगा ऐड टू कार्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जो भी आप यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे कार्ड करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो अर्निंग है वो यहाँ पे 33 रुपए का हो जाएगा। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा का अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपना मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने मीशो एप्लीकेशन के अंदर होगा कि वहां पे अपना आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं 100 रुपए 200 रुपए जितना आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये आप यानी कि ये प्रोडक्ट आप किसी और के लिए बुक करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के लिए बुक करना चाहते हैं और उसे आप ये प्रोडक्ट 399 का देना चाहते हैं ताकि आपको जो मार्जिन है उसमें आपको 100 रुपए का बचत हो जाए। तो आपको यहां पे करने का है एड योर मार्जिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको फाइनल प्राइस डाल देना है कि आपका दोस्त इस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसे कितने रुपए देना पड़ेगा। तो जैसे हम मान लीजिए यहां पे 399 रुपए डाल देते हैं तो यहां पे अर्निंग ऑन दैट आइटम यानी कि इस आइटम में हमें अर्निंग कितना होगा 100 रुपए। अगर यहां पे आप अर्न पे क्लिक करेंगे तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको यहां पे 30 रुपए ही सिर्फ अर्न होंगे और आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका 299 का रहेगा। यानी कि आप किसी और को बुक करेंगे तो उस बंदे को 299 रुपए देना पड़ेगा और आपको यहां पे 33 रुपए का कमीशन चार्ज मिल जाएगा। अगर वही प्रोडक्ट आप अपने मार्जिन में उसे ऐड करके बेचना चाहते हैं यानी कि 299 का ये प्रोडक्ट है और किसी को आप 399 का आप बेचना चाहते हैं तो कैसे आप उसे बेचेंगे, तो यहां पे आपको अपना मार्जिन डाल देना 399 का और एक बार इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपका मार्जिन ऐड हो चुका है। अब यही प्रोडक्ट आपका 399 का हो जाएगा। अब जिसे आप बुक करेंगे तो उस बंदे को 399 रुपए इसे देना पड़ेगा यानी कि जो आपका यहां पे डिलीवर लेके जाएगा, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वह बंदा उसे 399 रुपए देगा। देने के बाद आपका 48 घंटे के बाद आपका जो मार्जिन चार्ज होगा 100 रुपए वो आपके यहां पे वैलेट में ऐड हो जाएंगे। वैलेट में ऐड होने के बाद आप उन्हें बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहां पे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आप इनकम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे अपना मार्जिन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ 33 रुपये कमीशन चार्ज मिलेगा और ये प्रोडक्ट आपका 299 रुपये का रहेगा। आप किसी और को बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हैं। अपने आप को बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वही आप अर्न पे क्लिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपका मिल जाएगा यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन। अगर आपने एड्रेस फिलअप करके रखा है तो आपको इस पर टिक लगाना है, नहीं आपने फिलअप किया है तो ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका ऑर्डर फिलअप करना है जिसका ये ऑर्डर आप बुक करना चाहते हैं। अपने को बुक करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे ऑर्डर यानी कि अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो ऐसे आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद टिक लगा लीजिए, आपको यहाँ पे डिलीवर हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद अब यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज एड्रेस, अभी भी अपना एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल कस्टमर प्राइस, यानी कि आपको 299 रुपये का ये पड़ेगा। अब आती है यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपने वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को मिलेगा प्लेस ऑर्डर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे कंफर्म करने का एक कैप्चा दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो कैप्चा में आपको देखने को मिलेगा वही आपको टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, अब आपको यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होगा वो पूरी तरीके से बुक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपका यहाँ पे ऑर्डर बुक हो चुका है। तो ऐसे आप आसानी से शॉपसी एप्लीकेशन के अंदर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।